कि पोलियो एक कौमी फरीजा जो बहुत अहम है, और महकमे हेल्थ के सीईओ डॉक्टर असफंद यार का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो पोलियो पर होता है, इस पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके अलावा अतायत भी नासूर बनता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं, और फैसलाबाद से नुमाइंदा के टू टेलीविजन सफदर अली चौहान इस वक्त सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंद यार के साथ मौजूद हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी भी मुआशरे में सेहत का शुमार बुनियादी सहूलियात में किया जाता है, और अगर कोई मुआशरा सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम रह जाए तो वहाँ पर पैदा होने वाला बिगाड़ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट महकमा हेल्थ के सीईओ असवंद यार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि महकमा सेहत के हवाले से क्या इकदाम कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। इसमें हुकूमत पंजाब की जो सीएम साहब हैं, उनका जो हमारा विज़न है, और जो हमारे सेक्रेटरी मोहतरम अली जान खान साहब सेक्रेटरी प्राइमरी हैं, और मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती जितने भी हमारे नामुकम्मल मनसूबे थे, जिस तरह के मैं जिक्र करूँ कि जनरल हस्पताल समनाबाद हमारा 50 से 250 बेड का हस्पताल अपग्रेड हो गया था, और 2018 से लेकर अब तक उसकी बिल्डिंग जो है वो खड़ी थी, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर फाल नहीं किया जा सका था। इसी तरह हसीब शहीद कॉलोनी के अंदर नुसरत फतेह अली खान 250 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, वो सिर्फ एक डिस्पेंसरी के लेवल पे चल रहा था। सर पोलियो एक बहुत ही संगीन मामला है, इस पर लाखों करोड़ों रुपए के फंड खर्च किए जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि इसकी कंपेन पर कभी टीचर को लगा दिया जाता है, कभी वॉलंटियर को लगा दिया जाता है, पोलियो कंपेन इससे मुतासर नहीं हुई। नहीं, इसमें इस तरह है कि जो पोलियो एक देखे ना, ये एक कौमी फ्रीज है और एक नेशनल लेवल की कंपेन है। इसमें नो डाउट के इसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए कि पूरी दुनिया में जो पोलियो का मर्ज़ है वो ख़त्म हो चुका है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे रह गए हैं कि जो अभी तक भी पोलियो को ख़त्म नहीं कर सके। और हम नहीं है कि सिर्फ उनको ड्यूटी पर लगा के हम पोलियो की कंपेन को कवर कर सकें, तो इसमें लामहाला जो हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को इंगेज करना पड़ता है, जिसमें पॉपुलेशन वेलफेयर के हैं, कोई एजुकेशन का, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स की ड्यूटी हमने कभी भी नहीं लगाई। डेंगू का वैसे पैटर्न भी यही है, ये हर तीसरे चौथे साल जाके जो है ये पीक पे एक दफ़ा जाता है, राइज आती है, और उसके बाद फिर इसमें कुछ तो जो है मौसमी आती जो तब्दीली है, यानी बारिशों का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा ना बढ़ना, और फिज़ा के अंदर जो नमी है उसका रहना एक सबब है, और साथ साथ इसके ये भी है कि जो है सर्वेलेंस जो है वो हमने ज़्यादा इफेक्टिव की है।